एक चींटी होती है जिसे बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस चींटी का कांटा बंदूक की गोली लगने जितना दर्दनाक होता है। ये चींटियाँ पाई जाती हैं दक्षिणी अमेरिका के अमेजॉन वर्षावन में। इसके अलावा इन जंगलों में कुछ और खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं, मसलन एनाकोंडा, जैगुआर और घड़ियाल। अमेजॉन के जंगलों से बहती नदियों में पाई जाती हैं पिरहाना नाम की मछली, जो मांस के लोथड़े को मिनटों में चपत कर जाती है। साल 1971 की बात है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इन जंगलों में 17 साल की एक लड़की अकेले फंस गई थी। उसके सर से खून निकल रहा था और पैर में चोट लगी हुई थी। आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, ना खाने को कुछ था ना पीने को। इसके बावजूद वो लड़की कई दिनों तक निर्मम जंगलों से जूझती रही। आखिर में जंगल से गुजर रहे तीन लोगों की उस पर नज़र पड़ी। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है। तब उस लड़की ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरत से भर दिया। वो लड़की कुछ देर पहले ऊपर आसमान में एक प्लेन में यात्रा कर रही थी। प्लेन के दो टुकड़े हुए और लड़की 10,000 फीट नीचे अमेजॉन के जंगलों में जा गिरी। उसके बावजूद वो लड़की जिंदा कैसे बची, कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं तारीख। तो ये कहानी शुरू होती है एक प्लेन यात्रा से। 17 साल की जुलियाना कोपका अपनी माँ के साथ प्लेन की यात्रा कर रही थी। कुछ रोज़ पहले जुलियाना ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और अब वो अपने पिता से मिलने जा रही थी। जुलियाना के पिता एक जूलॉजिस्ट थे और अमेजॉन के जंगलों पर वो शोध कर रहे थे। जुलियाना भी अपने पिता की तरह ही बनना चाहती थी। 24 दिसंबर की शाम पेरू की राजधानी लीमा से जुलियाना और उसकी माँ फ्लाइट नंबर 508 में बैठते हैं। विमान में उनको मिलाकर कुछ 86 यात्री थे। प्लेन सही समय पर उड़ान भरने लगा, सब कुछ सही चल रहा था। जुलियाना अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी, उसकी सीट का नंबर था 19F। उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद अचानक से जुलियाना को महसूस हुआ कि उसकी सीट हिल रही है। इससे पहले उसे कुछ समझ आता पूरा प्लेन हिचकॉले खाने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, बाहर बिजलियाँ कौंद रही थीं। प्लेन के चारों तरफ काले बादल थे, जिसका मतलब था कि प्लेन एक तूफान में फंस चुका था। साल 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जुलियाना बताती हैं, प्लेन जोरों से हिल रहा था मगर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। जुलियाना की माँ की उम्मीदों के विपरीत चीज़ें बद से बदतर होती चली गईं। आसमान में कड़क रही बिजलियाँ प्लेन से टकराई। पहले प्लेन का इंजन फेल हुआ, फिर प्लेन की बॉडी में दरार पड़ने लगी। देखते ही देखते प्लेन दो टुकड़ों में टूट गया। लोगों ने चूंकि सीट बेल्ट पहनी हुई थी, लिहाजा लोग अभी भी अपनी सीट से चिपके हुए थे। जुलियाना बताती हैं, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि समझ पाना मुश्किल था। मैंने अपनी माँ को देखने की कोशिश की लेकिन मुझे सामने खाली आसमान नज़र आया। तेज़ हवाएं मेरे चेहरे से टकरा रही थी। जुलियाना दरअसल अब खुले आसमान में थी। प्लेन हादसे के दौरान उसकी सीट प्लेन से उखड़ कर अलग हो गई, जिसके चलते जुलियाना प्लेन से अलग अकेले ज़मीन की तरफ गिरने लगी। उसके पास ना पैराशूट था ना कोई और मदद। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर रही थी और नीचे अमेज़ॉन का विशाल जंगल था। इसके आगे क्या हुआ याद करते हुए जुलियाना बताती हैं, होश आया तो मैं जंगल के बीचों बीच थी। मेरे पैर और सर में चोट लगी थी लेकिन पता नहीं कैसे मैं जिंदा थी। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद कोई जिंदा बचा हो तो उसे खुशकिस्मत ही कहा जाएगा। लेकिन जुलियाना की किस्मत को उस रोज़ एक और बाधा पार करनी थी। जैसा पहले बताया, अमेज़ॉन के घने जंगल भयानक जानवरों का डेरा होते हैं। इनसे बच गए तो मच्छरों का ऐसा आतंक कि मलेरिया या डेंगू होना पक्का है। ऐसे जंगल में 17 साल की उस लड़की को अकेले रात गुजारनी थी। ना खाने को कुछ था ना पीने को। ऐसे हालात में कोई आम व्यक्ति शायद ही बच पाता, लेकिन जुलियाना आम नहीं थी। जंगलों के बीच पैदा हुई जुलियाना के माता पिता दोनों जंगल प्रेमी थे। जुलियाना के पिता ने अमेज़ॉन के जंगलों में एक रिसर्च स्टेशन बनाया था। वो जंगलों पर शोध करते थे और उन्हें बचाने की मुहिम भी वो चलाते थे। इसी कारण जुलियाना को बचपन से जंगल का अनुभव था और यही अनुभव उस दिन जुलियाना की जान बचाने वाला था। उसके सिर पर चोट लगी थी, उसे एक आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा था। होश आने के कुछ मिनटों बाद ही वो दोबारा बेहोश हो गई। आधे दिन बाद जाकर उसकी आंख खुली, उसने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जुलियाना हिम्मत हारने ही वाली थी तभी उसे पानी का एक छोटा सा स्रोत दिखाई दिया। उसे अपने पिता का बताया सबक याद आया, छोटी धारा बड़ी धारा से मिलती है, पानी नीचे की ओर बहता है और अगर उसे फॉलो करो तो अंत में आपको कोई ना कोई इंसानी बसाहट मिल ही जाएगी। यही सोचकर जुलियाना पानी की धारा को फॉलो करने लगी। पानी साफ था, उसे पिया जा सकता था लेकिन खाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। फिर भी जुलियाना चलती रही। कई बार उसे तैरकर नदी पार करनी पड़ी तो कई बार जंगल का कठिन रास्ता पैदल पार करना पड़ा। जंगल में भटकते हुए 4 दिन अब हो चुके थे, पर चौथे दिन जुलियाना को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जंगल में एक जगह जुलियाना को प्लेन की कुछ सीटें दिखाई दी। तीन लोग उसी की तरह प्लेन से अलग होकर नीचे गिरे पड़े थे लेकिन उनकी किस्मत जुलियाना जैसी नहीं थी।
तीनों की मौत हो चुकी थी, बल्कि तीनों आसमान से ज़मीन पर इस तरह गिरे थे कि उनका सर ज़मीन में धंस गया था। उनमें से एक महिला थी बकौल जुलियाना, उन्हें लगा कि वो उनकी माँ थी, लेकिन जब जुलियाना ने उन्हें बाहर निकाल कर देखा तो वो उनकी माँ नहीं थी। जुलियाना एक बार फिर निराश हो गई, लेकिन अभी उसकी नज़र पास पड़े एक पैकेट पर गई। खोल कर देखा तो उसमें कुछ चॉकलेट थी, यानी जुलियाना के खाने का कुछ इंतजाम तो हो गया था। इसके बाद जुलियाना ने आगे की यात्रा शुरू की। अगले कई दिनों तक वो जंगल में भटकती रही। प्लेन क्रैश की खबर अब तक हर तरफ फैल चुकी थी। प्लेन की खोज में कई हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर उड़ान भर रहे थे, लेकिन उनके जुलियाना को देखने की उम्मीद ना के बराबर थी। हेलीकॉप्टर बचाव दल कई दिनों तक खोजते रहे, लेकिन उन्हें किसी इंसान की बात तो दूर प्लेन का पुर्जा भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद जंगलों के ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आना बंद हो गई। अब जुलियाना के पास उम्मीद का कोई कारण नहीं बचा था। इसके बावजूद वो आगे बढ़ती गई। 9 दिन और 9 रात तक जंगल में अकेले भटकने के बाद जुलियाना को एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया खाली थी, सो उसने वहाँ आराम करने की सोची। थकी हुई तो वो थी ही, लेटते ही उसे नींद आ गई। जुलियाना बताती हैं, उस झोपड़ी में मुझे लगा कि ये मेरी आखिरी नींद होगी, मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब आँख खुली तो उसने देखा 2 आँखें उसे देख रही हैं। जुलियाना बताती हैं, मुझे लगा वो आँखें किसी फरिश्ते की हैं। हालांकि जिन लोगों ने जुलियाना को देखा था वे ऐसा नहीं समझ रहे थे। बकौल जुलियाना जंगल में रहने वाले वे लोग उसे येमुजा समझ रहे थे। येमुजा यानी पानी की देवी, जिस पर पेरू के लोग विश्वास करते थे। वो लोग जुलियाना से डर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने जुलियाना को वहाँ रुकने दिया और अगले दिन उसे नाव में बिठाकर नज़दीकी अस्पताल ले गए। 11 दिन जंगल में अकेले गुजारने के बाद जुलियाना को बचा लिया गया। जुलियाना के बताए अनुसार प्लेन का मलबा भी ढूंढ लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से प्लेन में सवार और कोई यात्री जिंदा नहीं बचा था। जुलियाना खुद इस हादसे से मानसिक रूप से सालों तक जूझती रहीं और लंबे समय तक प्लेन की यात्रा भी नहीं कर पाई। जुलियाना ने आगे चलकर PhD पूरी की और एक बड़ी बायोलॉजिस्ट बनी। बाद में उन्होंने अपने अनुभव एक किताब में लिखे, जिसका शीर्षक था When I Fell From the Sky। उनके कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। डॉक्यूमेंट्री में एक जगह जब जुलियाना से पूछा जाता है, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही उस हादसे में जीवित क्यों बचे, तो जुलियाना जवाब देती हैं, पता नहीं, लेकिन ये सवाल मुझे हमेशा कचोटता रहेगा। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट कवर करें, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म को भर दीजिए। बस बताना इतना है कि आपकी सीट में मुद्दे क्या क्या हैं, कुछ सवाल और भी हैं, उनके जवाब हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आएंगे आपके पास। आपके लिए आज का एपिसोड लेकर आए थे हमारे साथी कमल। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।